हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीजनिंग शुरू कर रहे हैं और रीजनिंग में कुछ मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ क्लॉक के। ये बैंकिंग के अलावा बाकी हर एग्ज़ाम में क्लॉक पूछा जाता है, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्लॉक के, ठीक है। इमेज को बोलते हैं हम लोग प्रतिबिंब, ठीक है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं प्रतिबिंब, यानी कि इमेज बेस्ड पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। और इमेज बेस्ड आपके पेपर में दो तरह के आते हैं, एक मिरर इमेज आता है और एक वाटर इमेज आता है, ठीक है। यानी कि दर्पण में इमेज कैसी होगी और पानी में उसकी इमेज कैसी होगी, ठीक है। चलो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं इन चीज़ों को, तो आप ज़रा ध्यान से देखो क्वेश्चन हम लोगों को किस तरह से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आपको क्या करेगा, वो एक क्लॉक बना कर देगा, यानी कि आपको एक जो क्लॉक रहेगी इस क्लॉक में कोई समय रहेगा, ठीक है। और वो आपसे ये पूछेगा कि बताओ मिरर में यानी कि दर्पण में वो समय कितना होगा। यदि मान लो कि इस घड़ी में मान लो कि 9 बज रहे हैं, इस घड़ी में मान लो कि 9 बज रहे हैं, तो बताओ दर्पण में वो कितने बज रहे होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखोगे यदि आप इसको, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर कितना है, ये 12 है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर 12 और यहाँ पर ये 6, ठीक है। घड़ी आप सबने देखी है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से लेकर पूरा 12 तक। अब होता क्या है, ये जो घड़ी दी हुई है इसको सबसे पहले मैं ना यहाँ से क्या करता हूँ वर्टिकली, यानी कि सीधे मैं इस पर क्या करता हूँ एक रेखा खींच देता हूँ इस तरह से, ठीक है। यानी कि सीधे मैंने इस पर एक रेखा खींच दी यहाँ पर इस तरह से। होता क्या है कि जब हम मिरर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इमेज लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की ओर होती है, ठीक है। अगर लेफ्ट में देके रखी है तो वो राइट में हो जाएगी, राइट में देके रखी है तो वो लेफ्ट में। बस इधर से इस बात को आपको ध्यान रखना है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इसी तरह से हम लोगों को चीज़ों को ध्यान रखना है। अब मान लो यदि आपकी कोई घड़ी है, आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं, ये तो वाला हो गया भाई छोटा कांटा, ठीक है। ये हो गया अपने पास छोटा वाला कांटा और ये वाला जो हो गया अपने पास बड़ा वाला कांटा, ठीक है। ये बड़ा वाला जो होता है ये सभी जानते हैं और एंड होता है, और छोटा वाला जो होता है वो और एंड होता है, और बड़ा वाला जो होता है वो मिनट एंड्स होता है, ठीक है ना। यानी कि मिनट्स बताने वाला होता है और ये वाला होता है और बताने वाला। अब देखो ज़रा घड़ी सबके पास में, सबने देखी है। अब इस घड़ी में यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। अब बताओ क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बताओ दर्पण में कितने बज रहे होंगे। जब आपकी घड़ी में 11 बज रहे हैं तो बताओ दर्पण में उस समय कितना बज रहा होगा। तो सीधी सी बात है कि यदि मैं अगर एक छोटी सी बात यहाँ पर देखूँ, तो घड़ी में यहाँ पर बज रहा है 11, तो दर्पण में जब मैं जाऊँगा तो 12 बजे की जो बात है, ये रेखा तो ना इधर जाएगी ना ये इधर जाएगा, यानी कि जो ये एंगल है ये ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। लेकिन चेंज क्या होगा, लेफ्ट में ये दिया है तो इसको मैं ले जाऊंगा राइट में, बिल्कुल ऐसा कैसा। तो यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा, 12 तो 12 ही रहेगा और ये बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। इसका मतलब घड़ी में यदि 11 बज रहा है तो मिरर में यानी कि दर्पण में कितना बजेगा, 1 बजेगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से यदि आपकी घड़ी में 10 बज रहे हैं, यदि आपकी घड़ी में 10 बज रहे हैं तो फिर उसके बाद दर्पण में कितने बजेंगे, 2 बजेंगे। यदि आपकी घड़ी में 9 बज रहे हैं तो यहाँ सीधे सीधे इधर है तो उस साइड ले जाया करो, तो यहाँ पर कितने बजेंगे, 3 बजेंगे। यदि आपकी घड़ी में 8 बज रहे हैं, ठीक है, 8 बज रहे हैं तो यहाँ पर फिर आपके कितने बजेंगे दर्पण में, 4। यदि आपकी घड़ी में 7 बज रहा है तो बताओ भाई ये कितना बजेगा, यहाँ 6 बजेगा। और 6 यदि बज रहा है तो 6 वाला एंगल कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक कांटा तो होगा यहाँ पर और दूसरा कांटा होगा सीधे ऊपर, जो ना इधर जा सकते हैं और ना ही इस साइड जा सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं छोटी सी बात यहाँ पर एक आपको बताऊँ, तो हमेशा ध्यान रखना कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की ओर सारा की सारा खेल शुरू होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो इसी तरह से यदि मैं आपको और चीज़ें बताऊँ यहाँ पर, तो देखो मैंने आपको बताया 11 बजे का, तो 11 बजे के बारे में मैंने बात की, तो मिरर इमेज में यानी कि दर्पण में उस समय कितने बजेंगे, उस समय दर्पण में बजेगा भाई 1 बजेगा। अगर मैं 12 बजे के बारे में बात करता हूँ, तो 12 बजे तो दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे, ना वो इधर के रहे ना वो उधर के, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो सीधी सी बात है 12 बजे 12 ही बजेगी, कोई भी चेंज यहाँ पर बदलाव नहीं होगा। यदि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, 10 बजे हैं, ठीक है, तो दर्पण में बताओ कितने बजेंगे, तो वहाँ पर बजेंगे 2। यदि आपकी घड़ी में 9 बजे हैं तो भाई कितने बजेंगे, 3। यदि आपकी घड़ी में भाई 8 है तो 8 को यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि 7 है
तो भाई वो कितना हो जाएगा, सात है तो कितना हो जाएगा भाई, पाँच हो जाएगा, और यदि छः है तो यहाँ पर वो कितना रहेगा, छः। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यदि मैं आपको बताऊँ तो ध्यान से देखो, ग्यारह और एक कितना हो गया, बारह हो गया। यहाँ पर तो पहले से ही मुझे बारह दे के रखा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। दस में दो जोड़ दूंगा तो ये भी कितना हो गया, बारह हो गया। नौ और तीन बारह, आठ और चार बारह, सात और पाँच बारह, छः और छः कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो घड़ी का जो एंगल होता है, घड़ी का जो कोण होता है, यदि उसके बारे में बात करूं और यदि मैं दर्पण के बारे में बात करूं तो टोटल सम जो आता है वो हमेशा बारह आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये टोटल सम इसका कितना होता है, हमेशा आपका कितना आएगा, 12 आएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस में आपको बताता हूं कि किस तरह से होते हैं। ये तो इमेज बताने वाली बात हुई, ठीक है। चलो अब इसके आप क्वेश्चंस को देख लो, क्वेश्चन कैसे करना है हमें। चलो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपको, पहला मुझे क्या दे के रखा है, टाइम दे के रखा है, ठीक है। यहाँ मुझे क्या दे के रखा है, टाइम दे के रखा है 8:20, ठीक है। 8:20 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये इमेज के लिए तो ठीक है। अभी मैं आपको और बताऊंगा सारी की सारी चीज़ें, पहले इतना देखो। चलो अब आपको टाइम दे के रखा है, यदि मुझे टाइम दे के रखा है, यदि मुझे टाइम दे के रखा है भाई 8:20, तो मुझे बताना है कि कांच में उसका समय कितना होगा, ठीक है। कांच में उसका समय कितना होगा, मिरर में कितना समय होगा, ठीक है। तो दर्पण के बारे में बात करना है मुझे, तो पहला क्वेश्चन जो मुझे दे के रखा है भाई 8:20, 8:20 जो मुझे 20 मिनट दे के रखा है, हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसे 12 बजे से, यानी कि 12 में से हम इसको घटा देंगे, या फिर 12 को ही लिखने का दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसे 11:60 भी लिख सकते हैं। हम इसे या तो आप इसे 12 लिख सकते हो या आप इसे 11:60 भी लिख सकते हो आप इसे, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अपने आप में क्या होती हैं, सही होती हैं। इसी से हम टाइम को पता करेंगे, ठीक है। चलो अब सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर बात करूँ 8:20, तो मुझे यहाँ पर करना क्या होगा, कुछ भी नहीं करना मुझे यहाँ पर, 11:60 में से मैं क्या करूँगा, 8:20 को मैं यहाँ से घटा दूँगा, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर 12 बजे से क्यों नहीं घटाया, अगर मैं इसको 12 बजे से घटाता, अगर मैं इसे 12 बजे से घटाता तो आप देखो 00 है, यानी कि ये तो पहले से ही 0 है। उस यहाँ से ऐसा नहीं है कि मैथ्स की तरह यूज़ कर लोगे, इसमें से एक उधार ले लिया तुमने, अगर वहाँ से एक उधार ले लोगे यहाँ पर तो वो तो पूरा गलत हो जाएगा, जबकि ये तो अपने पास 12 बजे हुए हैं, 0 है, तो 0 में से मैं कहीं से उधार कैसे ले लूँगा कहीं से, ये रीजनिंग में नहीं होता, ठीक है। इसके करने का तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये जो 12 है इस 12 में से एक को लेकर क्या करते हैं, इस 12 में से मैंने एक घंटे को लिया तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और उस 60 मिनट को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं, इसे 11 कर दूंगा, वही बात तो हो गई, समझ में आया। तो वो नीचे लिखी हुई है यही की यही बात, बस अब आपको कुछ नहीं करना, फिलहाल यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ पर पहले फिलहाल 12 लिखे रहने दो, ठीक है। तो ये कैसे आया है अपना 11:60 कैसे आ गया, इस 12 में से हमने एक घंटा यहाँ लिख दिया, एक घंटा जैसे यहाँ लिखूंगा तो 12 में से एक गया, कितना बचा, 11 बचा, और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो वो 60 मिनट आपके यहाँ आ गए, ठीक है। अब देखो जरा, तो हम लोग यहाँ पर करते क्या हैं, हम लोग करते क्या हैं सॉल्व करने में, जो भी हमें समय दिया हुआ रहता है उसको जब हमें मिरर इमेज में कैलकुलेट करना होता है तो बस 11:60 में से आप इसको घटा दिया करो, 60 में से 20 गए भाई कितना बचेगा, 40, 11 में से 8 गए कितना बचेगा आपके पास, 3, ठीक है। तो 3:40 उस समय हो रहा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो दर्पण में समय कितना हो रहा होगा, 3:40 समय हो रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, ठीक है, ये हो गया अपना। दूसरे क्वेश्चन को देखो, दूसरा मुझे जो दे के रखा है क्वेश्चन, वो दे के रखा है 2:00 दिया है, 47 मुझे दे के रखा है। अब 2:47 को भी मैं क्या करूँगा, 11:00 दे के रखा है, 47 दे के रखा है, ठीक है। 11 मुझे क्या दे के रखा है, ये 2:47, कुछ भी नहीं करना, 11:00 क्या करूँगा, 60 लिखूंगा यहाँ पर, और 2:00 यहाँ पर कितना लिख दूंगा, 47 जो क्वेश्चन में दिया है, बस इसको घटाना है आपको। घटा दोगे तो पता चल जाएगा कि दर्पण में समय कितना हो रहा होगा, 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ये हो जाएगा 5, तो ये बचेगा अपने पास 1, और यहाँ कितना बचेगा अपने पास में, 11 में से 2 जाएगा तो 9, ठीक है।
तो यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, 9:13 उस समय पे समय हो रहा होगा। ठीक है, चलो और बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। चलो भाई ध्यान से देखो इस तरह के क्वेश्चंस को, ध्यान से देखो। अब मेरे को ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखो। मुझे देके रखा है पहला क्वेश्चन, कौन सा दे रखा है, 5th नंबर का ये देके रखा है। 2:00 2:43 और 2:11 हो चुके हैं। अब इसमें मुझे सेकेंड्स नया दे दिया ऐड करके। वो ये बोल रहा है कि घड़ी में यदि इतना बचा हुआ है, घड़ी में यदि 2:43 और कुछ सेकंड हो रहे हैं, तो बताओ दर्पण में कितना समय हो रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप करोगे क्या, इसे पहले इसके एक चीज़ समझो जरा। इसे मुझे दिक्कत इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इस भिन्न की है। तो इस भिन्न वाली चीज़ों को पहले समझो होता क्या है। यदि मैं 1/2 लिखता हूँ और प्लस में यदि लिखता हूँ 3/1/2 लिखता हूँ, तो इसे सॉल्व करना तो आपको सबको आता ही आता है। मैं सबने इतना पढ़ा है। इस 1 को और 3 को जोड़ दो पहले, 1+3 को जोड़ दो पहले तो आप, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, इस 1/2 को और इस 1/2 को आप जोड़ देते हो, ठीक है। तो 3 और 1 ये मेरे पास हो जाता है 4, और 1/2 1/2 आधा आधा हो जाएगा 1। अब मैं इसका गुणा करूँ कि प्लस करूँ, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम इसमें जोड़ते हैं, 4 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 हो जाएगा। बस यही बात आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। मुझे बनाना है एक, इस बात को ध्यान से देखो। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में जल्दी, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप ये देखो। सबसे पहले तो हम लोग को इतनी बात तो पता है कि 11:60 में से ही हम इन सब चीज़ों को घटाते हैं। तो करोगे क्या, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको वही आदत होगी कि 60 में से 43 को माइनस करके 17 लिख दो यहाँ पर, और 17 जैसे ही लिखोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। 60 में से 43 को लिखोगे, माइनस करोगे ना 17, वो 17 अपने आप में गलत हो जाएगा, ठीक है। मुझे इन चीज़ों पर ध्यान देना है, इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है कि इसमें इसको मुझे ऐड करके ही लेकर आनी है सारी चीज़ों को। कुछ सेकंड मुझे दे के रखें, अब ध्यान से देखो ज़रा। मुझे 2/11 क्या दे के रखें, सेकंड्स मुझे दे के रखें। अब इस 2/11 सेकंड में मैं क्या कितना जोड़ूं कि मुझे यहाँ पर कितना मिल जाए, मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, मुझे 1 चाहिए यहाँ पर। तो 2/11 में मैं कितना जोड़ दूँ कि मुझे 1 मिल जाए, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, 11 में से 2 को माइनस करो, कितना बचेगा 9, और बटे कितना हो जाएगा 11। 9/11 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 2/11 + 9/11, 2/11 + 9/11 आप सब जानते हो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर मुझे कितना बनाना है, 59 बनाना है 59, 59 60 मत बना देना भूल कर भी, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मत बना देना क्योंकि ये 1 हमेशा भिन्न में आपका जुड़ेगा ही हर बार क्वेश्चन में, और यदि आपने इसे 60 में से माइनस कर दिया इसको सीधे, तो सीधे सीधे आपका 17 बचेगा, जो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये भी तो जोड़ना है, तो 17 और 1 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो करोगे क्या, हमेशा यहाँ पर 1 कम बनाओगे, 59। क्यों बनाओगे, क्योंकि जो भी भिन्न में मुझे दे के रखा है वो हमेशा 1 बनेगा। तो 59 में अपने आप जब आप इसे 1 को जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा 60। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, इसे ध्यान से देखो। इस भिन्न में मैंने क्या किया, 2/11 में मैंने जोड़ दिया 9/11, तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी कि 2/11 9/11 को मैं बोल सकता हूँ भाई 1 बोल सकता हूँ। दूसरी बात, मुझे बनाना है 59 बनाने के लिए मुझे 43 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 43 में कितना जोड़ दूं कि 59 बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें से इसको माइनस करो, उन 9 में से 3 जाएगा भाई यहाँ पर बचेगा 6, 5 में से 4 जाएगा यहाँ बचेगा 1, और उसके बाद में बस एक छोटा सा काम, 11 में से 2 जाएगा भाई बचेगा 9। 9:16 और 9/11 उस समय दर्पण में हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई है। भिन्न को बना दो 1, मिनट को बना दो 59, मिनट को क्या बना दो 59, और सीधी सी बात है 11 में से 2 को माइनस करके सीधे सीधे आप 11 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 9। 9:16 और 9/11 हो रहे होंगे उस समय, ठीक है। चलो अब इतनी बात जब आप लोगों को समझ में आ ही चुकी है, तो अगले वाले क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो ये क्वेश्चन मुझे देख के रखा है भाई 6th नंबर का, 10:10 कितना हो रहा है यहाँ पर टाइम,
37 मिनट और 3/13 सेकंड्स हो रहे हैं, 3/13 सेकंड्स हो रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बात ध्यान है, इस भिन्न को कुछ भी करूंगा यहां पर मैं बनाऊंगा एक, इस मिनट को कुछ भी करूंगा इसे बनाऊंगा मैं 59, इसे मैं कितना बनाऊंगा 59, इसी के लिए काम करो आंसर आ जाएगा। 3/13 में कितना जोड़ूं के एक बच जाएगा, तो सीधी सी बात 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा भाई 10/13 बच जाएगा। तो सीधी सी बात 3/13 प्लस 10/ मैंने जोड़ा अगर 13, तो यहाँ पर भाई कितना बच जाएगा, 10 और 3 13/ कितना हो जाएगा 13। आप सभी जानते हो भाई ये एक बन जाएगा, ये बच जाएगा एक, आपके पास आंसर वो एक आ गया। अब दूसरी बात, यहाँ पर मुझे कितना दे के रखा है, चलो सबसे पहले तो हम 11:60 में से ही करते हैं सारा काम। चलो सबसे पहले तो मुझे क्या है, जो भी 37 दे के रखा है, इस 37 में मैं कितना जोड़ दूँ, 37 में कितना जोड़ दूँ कि 59 बन जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा भाई कितना बचेगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, तो यानी कि 37 में मैं 22 जोड़ दूंगा तो 59 बन जाएगा। मैंने 59 क्यों बनाया, क्योंकि मुझे आगे एक मिलने पर पूरा 60 हो जाता है, ठीक है, और 60 का मतलब हो जाता है अपने पास में एक घंटे के लिए लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 11 में से 10 को माइनस किया भाई ये एक बच जाएगा। इसका मतलब जब आपकी घड़ी में 10:47 3/13 सेकंड्स हो रहे होंगे, तब उस समय दर्पण में, 1:22 10/13 सेकंड्स हो रहे होंगे, ठीक है भाई, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आखिरी क्वेश्चन में सारी चीज़ें ही क्लियर आप लोगों को हो जाएंगी, ठीक है। क्या दिया है मुझे, लास्ट जो क्वेश्चन दे के रखा है 7वें नंबर का, ये 9:00 कितना दिया हुआ है मुझे यहाँ पर, 29 मिनट और 3/7 मुझे सेकंड दे के रखा है। करूँगा क्या वही काम, सबसे पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये जो मुझे दे के रखे हैं सेकंड्स मुझे जो दे रखे हैं इसके नीचे लिख दो आप एक, जो मिनट दे रखे हैं इसके नीचे लिख दो आप 59, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो भी मुझे भिन्न दे के रखा है इसे मुझे एक बनाना है, तो क्या करूँगा मैं, इस 3 में से 7 या 7 में से 3 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 4/7, मतलब ये हो गया 3/7 + 4/7, 7 और 7 जब जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा भाई एक, आ गया एक। अब 29 में कितना जोड़ूं कि 59 बन जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा मेरे पास में 3 बचेगा। आप सभी जानते हो 11 में से हम इस 11:60 में से ही सारी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो बस 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा भाई 2 बचेगा, बस ये आपका आंसर हो गया। यानी कि जिस समय घड़ी की बात करोगे तो 9:29 3/7 सेकंड्स हुए थे उस समय, तो दर्पण में जो समय हुआ होगा वो 2:30 4/7 सेकंड्स हुआ होगा, ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं भाई वाटर इमेज, ठीक है। तो वाटर इमेज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, मुझे इस तरह से यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ रहेगा और वो पूछेगा कि भाई पानी में जो इसकी इमेज पड़ेगी, इमेज में समय कितना होगा। यदि 8:20 आपकी घड़ी में समय है, 8:20 घड़ी में समय है, तो पानी में यानी कि जो प्रतिबिंब पड़ेगा पानी में, जो इमेज होगी वो इमेज में समय कितना होगा उस टाइम पर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी बड़ा आसान होता है, इस टाइम पर मुझे करना क्या है, इसमें मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे ध्यान से देखना है, तो एक जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि एक इस तरह से एक रेखा मैं खींच लूँगा यहाँ पर, इसलिए मैंने ये चीज़ ये रेखा इस तरह से खींची हुई है कि यहाँ पर आप क्या करते हो, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जाते हो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर आने की आप कोशिश करते हो इस तरह से, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रखोगे, यदि किसी की घड़ी में 2 बजा हुआ है, यदि किसी की घड़ी में कितने 2 बजे हुए हैं, तो पानी में इमेज में कितना बजेगा उस टाइम पर, बजेगा भाई 4 बजेगा, कितना बजेगा 4। यदि घड़ी में 2 बजे हुए हैं तो पानी में कितना बजेगा 4, ध्यान रखना टॉप टू बॉटम या नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम या बॉटम से बॉटम टू टॉप, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर किसी की घड़ी में 1 बजा हुआ है तो पानी की इमेज में कितना बजेगा, यानी कि 5 बजेगा, ठीक है। यदि 12 बज रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यदि 11 बज रहे हैं तो पानी में कितना बजेगा, यदि 11 बज रहा है तो पानी में कितना बजेगा 7 बजेगा, यदि 10 बज रहा है घड़ी में तो यहाँ पर कितना बजेगा 8 बजेगा, और यदि यहाँ पर कितना है 9, तो वो तो सेम रहेगा, यहाँ तो कुछ भी चीज़ें नहीं बदलेंगी 3 और 9 के केस में। कहने का मेरा मतलब ये है कि टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर ही सब आप इसे चेंज कर सकते हो। ये जो मुझे क्वेश्चन दिए इस तरह के, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखो।
अच्छा, इसे सॉल्व करने के पहले एक बात ध्यान रख लो कि हम लोग जो समय लेकर चलते हैं इसमें, हम लोग जो समय लेकर चलते हैं जिससे आपके सारे क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व हो जाएंगे, हम लोग ऐसा थोड़ा करेंगे 8:20 है तो घड़ी बनाएंगे, घड़ी बनाने के बाद में उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई पानी की इमेज बनाएंगे, पानी में क्या होगा सोचेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, इतना टाइम नहीं है एग्ज़ाम में। आपको क्या करना है, सीधे सीधे एक बात ध्यान रखनी है, 18:00 यानी कि 18 और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सिर्फ 30, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ किस तरह से, 17 और मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, इसे मैं लिख सकता हूँ 17 और यहाँ पर, अब देखो मैं यहाँ पर 17:90 करूँगा क्यों, इसका रीज़न समझ लो, यदि मैंने इसमें से एक घटाकर मैंने यहाँ ले गया, यानी कि 1 घंटे घटाकर मैं इस पर ले गया तो ये कितना बचेगा भाई, 17 बचेगा, और एक जो मैं इस पर लेकर गया हूँ, यहाँ लेकर गया हूँ मैं एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट इस 30 में जोड़ दो तो 17 और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि जब भी क्वेश्चन ने मुझे 30 मिनट से ज़्यादा का समय दे के रखा है तब तो मैं इसका यूज़ करूँगा, और 30 मिनट से कम का समय दे के रखा है तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगा, ठीक है, इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। चलो पहला क्वेश्चन जो मुझे दे के रखा है वो 8:00 दे के रखा है मुझे, 20 मिनट, तो पहले क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ भाई, यहाँ पर 8:20 मुझे दे के रखा है, क्या 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 करूँगा मैं इसमें, सबसे पहले तो आप देखो भाई यहाँ पर 8:20 को कुछ नहीं करना, अब 20 दे के रखा है ना 20, तो मुझे यहाँ पर क्या दे के रखा है, 30 में से माइनस कर दूंगा, यानी कि 18 और यहाँ पर कितना हो गया भाई 30, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 8 और कितना 20, यानी कि सीधे सीधे 10 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 18 में से 8 जाएगा 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जब घड़ी में 8:20 होंगे तब पानी में इमेज जो होगी वो उसमें कितने बज रहे होंगे, 10:10 बज रहे होंगे, ठीक है। चलो मैं एक मिनट चेक कर लूँ मोबाइल में बैटरी कितनी है, चलो भाई काफ़ी है बैटरी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन मुझे दे के रखा है 2:00 दे के रखा है मुझे, 47 मिनट दे के रखा है, अगर ध्यान से देखो 47 मिनट, ये 47 मिनट 30 से तो ज़्यादा होता है, 30 से ज़्यादा होता है तो मैं ये वाले को यूज़ कर लूँगा। अब ध्यान से देखो 2:47 तो मैं क्या करूँगा, 17:17 यानी कि 17:90 यहाँ लिख दूंगा, इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, इनमें से माइनस करोगे तो सीधे एक बार में ही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, ट्रिक समझ लो या जो भी समझ लो इसे, 2:00 क्या हो जाएगा 47, बस माइनस कर दो, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा भाई 3 और ये हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा 4 और कितना बचेगा, 17 में से 2 ये बचेगा भाई 15। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15:43 है, 15:43 हो रहा है यहाँ पर, तो अब एक बात ध्यान से देखोगे 15:43 हम लोग 12 घंटे का ही क्या लेते हैं, ड्यूरेशन लेकर चलते हैं दिन भर में, ठीक है, या तो 5 बजे होंगे या 11 बजा होगा या 12 बजा होगा या 1, 2, 3, 4, हम ये तो कभी नहीं बोलते 13 बज गए, 14 बज गए, 15 बज गए, 16 बज गए, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमेशा 12 का ही होता है, तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे 12 में कैसे होगा, जब 15:43 है तो मैं इसे क्या करूँगा, 3:00 इसे मैं जानता हूँ 3:00 कितना होगा उस टाइम, 43 मिनट। आप लोगों की घड़ी में, आप लोगों के मोबाइल में आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही चेंज करते हो, 12 बजे ही लेकर चलते हो आप उसे हमेशा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो अगर मान लो कि 22 बजे हुए हैं तो 22 बजे का मतलब कितना, 10 बज गए, यदि 23 बज गए तो इसका मतलब कितना हो गया, जब 22 बजे तो 10 बज गया, जब 23 बजे तो 11 बज गए, ठीक है, 24 हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया टाइम पूरा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको आ गया समझ में, इसके बाद देखो भाई 10:00 क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है। अच्छा अगर आप इसे ध्यान से देखोगे 10:13 दे के रखा है, दोनों में से किस में से कर दूँ, इसमें से कर दूंगा, सरल पड़ेगा, ठीक है, 18 और यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं 30, इसमें से माइनस कर दूंगा 10:13 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 7 और ये बचेगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 18 में से 10 जाएगा 8 बचेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो गया, 8:17। इसका मतलब ये है कि जब आपकी घड़ी में 10:13 होंगे तब पानी में इमेज जो पड़ेगी वो 8:17 होगी। लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसे ध्यान से देखें कितना लिखा हुआ है भाई, ये 14 और कितना लिखा है 50।
सबसे पहले तो 14 हम लोगों को पता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। 14 बजने का मतलब क्या होता है भाई? 14 बजने का मतलब होता है भाई 2 बज गए। 13 बजने का मतलब होता है 1। 14 बजने का मतलब होता है अपने पास में 2। 15 बजने का मतलब 3। 16 बजने का मतलब 4। 17 बजने का मतलब 8। इस तरह से लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे इसमें चेंज कर लो। मुझे पता है ये 2 बज के कितना हो जाएगा, ये 2 बज के हो जाएगा भाई 50 मिनट। 2 बज के 50 हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। 2 बज के जब 50 मिनट की आपने बात की है तो आप इसे किस में से चेंज करोगे? 50 दे के रखा है मुझे, 30 से तो ज़्यादा होता है, इसमें से माइनस कर दो। तो क्या करूँगा, 17 बज के 90 मिनट में से इसको घटा दूंगा तो ये बच जाएगा 40, और ये आपके पास बचेगा 17 में से 2 जाएंगे, ये बचेगा आपके पास 15। अब फिर वही बात कि 15 बज के 40 मिनट हो गया। 15 बज के 40 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसे बोलते हैं 3 बज के 40 मिनट। यानी कि इसे मैं बोल सकता हूँ 3 बज के 40 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नोट कर लो इसे।